आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 2010 में आई फिल्म वीर की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म वीर की शूटिंग राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर फोर्ट में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो सलमान खान, सुहेल खान, जैकी श्रॉफ, जरीन खान और मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमेर फोर्ट को इनके समीप चीर के टीले की नाम की पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। अंबिकेश्वर भगवान शिव के अवतार का नाम है। भगवान शिव के इस अवतार की इस पूजा मंदिर में पूजा की जाती है। इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि आमेर के दुर्ग को यहाँ नाम देवी अंबा के पर्यायवाची शब्द अंबिका से मिला है। आमेर फोर्ट को आमेर से पहले तीन प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। यह तीन प्राचीन नाम आमेर से ही मिलते जुलते हैं। ये तीनों नाम अंबावती, अमरापुर और अमरगढ़ का किला। कालांतर में लोगों के द्वारा इस क्षेत्र को आमेर का किला कहा जाने लगा और इस किले का नाम फिर आमेर ही पड़ गया। इस कारण से समय के साथ साथ किले का नाम भी आमेर का किला ही रह गया। आमेर के किले का निर्माण सन 1512 में कच्छप राजपूत राजा महाराजा मान सिंह ने करवाए। अगले 140 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए। अंततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर लिया। आमेर दुर्ग को कछवाहा राजा मान सिंह ने 1512 में बनाया गया था। जयसिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 140 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार और प्रसार किए गए। वर्तमान आमेर महल 16वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो वहां के राजाओं के निवास के लिए पहले से ही बने महल का एक विस्तृत रूप था। यहां का पुराना महल जिसे कादमी महल के नाम से जाना जाता है, यह भारत के प्रसिद्ध पुराने मौजूद महलों में से एक है। यह प्राचीन महल आमेर महल के पीछे स्थित घाटी में बना हुआ है। हालांकि समय के साथ बहुत से महल और दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। 16वीं शताब्दी का आमेर दुर्ग एवं निहित महल परिसर जिसे राजपूत राजाओं ने बनवाया था, जो कि भली भांति सुरक्षित है। आमेर के किले की अनूठी वास्तुकला और संरचना वास्तव में ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। आमेर के वास्तुकला और संरचना के बारे में नीचे विस्तार से बताएं। भारत में राजधानी के किले को बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है। युद्धों की पूर्वव्यस्तता के बावजूद राजपूत कला वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनके द्वारा बनाई गई किलों में से एक है आमेर का किला। शानदार घेर किला, किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जो किले की बाहरी संरचना के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आमेर का इतिहास लड़ाइयों से भरा पड़ा है। वर्तमान में किले के अंदर रखी तोपों ने घेराबंदी के दौरान इसकी सुरक्षा की थी। इन घेराबंदियों को आमेर का समामेलन निर्णायक माना जाता है। राजपूत किलों और महलों की बहुत ही जटिल संरचना होती है। आमेर किले की वास्तुकला स्वदेशी, मुगल और दोनों शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। किले के प्रांगण के अंदर महाराजा मान सिंह के महलों का निर्माण स्वदेशी शैलियों में दर्शाया गया है। आमेर के किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इतिहास इस्तेमाल किया गया। फिल्म का एक सीन आमेर फोर्ट के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें सलमान खान और फॉरेनर आर्टिस्ट के बीच फाइट का सीन शूट किया जाता है। आप स्क्रीन शॉट में देखकर सामने जो फोर्ट की जो ये इमारत नज़र आ रही है झरोका टाइप से, इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास में जो गेट नज़र आ रहा है, इसे भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन आमेर फोर्ट के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। आमेर का किला भारत के राजस्थान के आमेर में स्थित एक किला है। आमेर 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला एक शहर है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित यह जयपुर में प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। आमेर का किला अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने बड़े और प्राचीर द्वारों और पक्के रास्तों की श्रृंखला के साथ किला माउटा झील को देखता है, जो आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। आमेर पहले राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण था।
इसकी कुछ इमारतों और कामों पर मुगल वास्तुकला का प्रभाव है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षक भव्य महल चार स्तरों पर बना, जिनमें से प्रत्येक में एक आंगन है। दीवाने आम या सार्वजनिक स्थलों दर्शकों का हॉल, दीवाने खास या निजी दर्शकों का हॉल, शीश महल, जय मंदिर और सुख निवास शामिल है, जहाँ महल के भीतर पानी के झरने के ऊपर बहने वाली हवाओं और कृत्रिम ठंडी जलवायु बनाई जाती है। फिल्म का एक सीन आमेर फोर्ट के अंदर इस गेट के सामने शूट किया जाता है, जब सलमान खान और जूनियर आर्टिस्ट के बीच फाइट का सीन होता है और सलमान खान इस जगह पे गिर जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो गेट नज़र आ रहा है आमेर फोर्ट का, इस गेट की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास में जो दीवार है, इस दीवार की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन आमेर फोर्ट के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। आमेर फोर्ट को आमेर फोर्ट का किला के नाम से भी जाना जाता है या अंबर का किला भी कहा जाता है। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह जयपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। आमेर के विकसित होने से पूर्व यहाँ मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे। इन्हें कछवाहा राजपूतों ने बाद में अपने अधीन कर लिया। इन्हीं कछवाहा राजपूतों के महान राजा महाराजा मान सिंह ने आमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के पर्यटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीर द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थरों के बने रास्तों से भरा दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ आमेर का इतिहास विस्तार से बताया। फिल्म का एक सीन आमेर फोर्ट के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें सलमान खान और जूनियर आर्टिस्ट का यहाँ पे फिल्म वो सीन शूट किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि सामने जो दीवार दिखाई दे रही है इसे मैच कर सकते हैं, और ऊपर जो जयगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन आमेर फोर्ट के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। आमेर किले की इतिहास की बात करें तो यह कभी जयपुर रियासत की राजधानी हुआ करता था। यह किला राजस्थान शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। मुगल सम्राट की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मान सिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं सदी के किले के अवशेषों पर इसका निर्माण शुरू करवाया। राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों के समूह के हिस्से के रूप में किले को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। इस किले की वास्तुकला राज हिंदू और इस्लामिक शैलियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। माना जाता है कि आमेर का किला उनके नाम पर आमेर का किला रखा। पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर इस किले से मावटा झील दिखाई देती है। यही झील आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत। फिल्म का एक सीन आमेर फोर्ट के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें सलमान खान घोड़े पर सवार होकर अटैक करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर सामने जो आमेर फोर्ट का मेन गेट है, इस गेट की जो डिज़ाइन बनी हुई है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास वाली दीवार को मैच कर सकते हैं, और जो ऊपर छोटी छोटी डिज़ाइनें बनी हुई इन्हें भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन आमेर फोर्ट के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। इस शहर को वेल्स के राजकुमार के स्वागत की खुशी में गुलाबी रंग से रंगा गया था, और तभी से इसे गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर का नाम आते ही यहाँ के बड़े बड़े और भव्य किले दिलो दिमाग में तैरने लगते हैं। इन्हीं किलों से निसंदेह सबसे पहले जिस किले की छवि उभरती है वो खूबसूरत किला है आमेर का किला। राजस्थान के जयपुर शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बना देने वाला आमेर का किला अंबर किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला न केवल जयपुर शहर बल्कि पूरे राजस्थान के शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है। आमेर का किला इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हर रोज 6000 से भी ज़्यादा लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। यह किला राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिल्म का एक सीन आमेर फोर्ट के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें जरीन खान यहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। आप स्क्रीनशॉट में देखकर आमेर फोर्ट का जो एक गेट नज़र आ रहा है इस गेट की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो दीवार और पहाड़ नज़र आ रहे हैं इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन आमेर फोर्ट के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। आमेर फोर्ट
की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है किले के भीतर मुख्य परिसर में दीवाने आम, जनता के लिए एक शानदार हॉल दीवाने खास, निजी दर्शकों के लिए एक अलग हॉल और शानदार शीश महल, जय मंदिर, सुख निवास महल आदि मौजूद हैं। आप किले का दीदार करते करते इन शानदार इमारतों के साथ अपने आप को एक अलग दुनिया में महसूस करेंगे। जैसे ही आप शीश महल में जाएंगे, आपको हैरान कर देने वाली एक नक्काशी दिखाई देगी, जिसे जादुई फूल के रूप में जाना जाता है। इस महल के एक स्तंभ पर संगमरमर के पैनल पर उकेरा गया है, यह आमेर फोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है। फिल्म का एक सीन आमेर फोर्ट के अंदर इस गेट की सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें जरीन खान इन सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई देती है और जूनियर आर्टिस्ट उनके आसपास खड़े हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर जो गेट की डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा गेट के ऊपर जो तीन विंडोज टाइप का झरोगा बना हुआ है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन आमेर फोर्ट के अंदर इन्हीं सीढ़ियों पे शूट किया जाता है। आमेर किले के परकोटे या खिड़कियों से माउटा झील की खूबसूरती को निहार सकते हैं। बारिशों के बाद यह झील शानदार दिखती है। इन्हीं खूबसूरत वजहों से यह किला जयपुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यही कारण है यहाँ लगभग 12 महीनों अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती। हालांकि भीड़ से बचने का एक तरीका यह भी है कि वीकेंड से अलग दिनों में यहाँ पे आए। अब निसंदेह आप यहाँ आकर कुछ और भी बेहतर महसूस करेंगे और इत्मीनान से इस किले की अद्भुत निर्माण कला का आनंद ले पाएंगे। किले के विशाल परिसर की सुंदरता को आनंद लेने के लिए ध्यान रखें कि अपने आरामदायक जूते और कपड़े पहनकर रखें, क्योंकि यह किला काफ़ी बड़ा है, इसलिए पानी की बोतलें, सेट्स, हैट या कैप अपने साथ जरूर रखें। आपको जानकर अवश्य ही अच्छा फील होगा कि परिसर के भीतर विश्राम कक्ष और कैफे मौजूद है। घूमते घूमते थक जाएं तो इनका आनंद भी लिया जा सकता है, एनर्जी बूस्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था फिल्म वीर की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।